भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहले T20 विश्व कप मैच में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया है। इसके बाद बॉलीवुड की एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों की इस जीत का स्वागत किया और उनकी सराहना की। इस बारे में अनुष्का शर्मा ने ट्वीट कर लिखा, विश्व कप की एक शानदार शुरुआत और नीले रंग की जर्सी पहनने वाली महिलाओं की एक रोमांचक जीत, मजा आ गया। वहीं तापसी ने पोस्ट किया, वेल डन गर्ल्स, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की अच्छी जीत। दिलचस्प बात यह है कि अनुष्का अपनी अगली फिल्म में भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी की भूमिका निभाती नजर आएंगी, जिन्हें चकदा एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इस फिल्म का निर्देशन प्रोसित रॉय करने वाले हैं, जिन्होंने इसके पहले अनुष्का की फिल्म परी का भी निर्देशन किया था। अनुष्का ने जनवरी में फिल्म के टीजर की शूटिंग की थी, लेकिन फिल्म की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है। दूसरी तरफ तापसी पन्नू बायोपिक शाबाश मिथु में नजर आएंगी। इसमें वो भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान मिताली राज की भूमिका निभा रही हैं। इस फिल्म का निर्देशन राहुल ढोलकिया कर रहे हैं और ये फिल्म मई 2021 में रिलीज होने वाली है। बता दें, मैच वाकई बेहद रोमांचक था और भारतीय महिला क्रिकेट टीम के सभी खिलाड़ियों ने शानदार खेल दिखाया। आपको बता दें, जल्द ही तापसी पन्नू की फिल्म थप्पड़ आने वाली है। यह फिल्म घरेलू हिंसा पर आधारित फिल्म है, जबकि अनुष्का शर्मा पिछली बार फिल्म जीरो में नजर आई थी। इसमें उनके अलावा शाहरुख खान और कैटरीना कैफ की अहम भूमिका थी। बता दें, हाल ही में अनुष्का शर्मा को मैदान पर प्रैक्टिस करते हुए भी देखा गया था।